वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों ने सोचा है कि आप चेंज और से बचपन में खेलते थे, असल के अंदर बहुत सारे स्टार्स जिंदा हुआ करते हैं हमारे इधर उधर जाने पर, उन सारी रस मिलाई और जाती है, उनकी अलग ही दुनिया है और वह सभी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, उनको इसके पास में ये फीलिंग है। या इधर हम लोगों के पास में कुछ नए टॉयज आ गए तो हम उन्हें कई रिप्लेस ना कर दे। आज आप सभी को ये स्टोरी बताने वाली हूँ। गाइस, टॉय स्टोरी की फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी है जो कि 1995 में आई थी। इसी के साथ गाइस, अब इस मूवी के अंदर बहुत पुरानी कैरेक्टर्स को भी देखने वाले हैं, यानी कि अगर आप सभी लोगों को याद है लाइट ही वृक्षो आया करता था जिसका मेन कैरेक्टर बस बेसिस स्टोरी में है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं केने नाम के बच्चे को जिसके पास में कई सारे स्टार्स और अपने स्टार्स के साथ में बहुत खुश वॉइस मैसेजेस। सबसे फेवरेट ऑयल एंड रिक्वायर्ड डाटा एंट्री का पूरा दिन अपने सॉलिड ऑयल में चला जाता था। एक दिन जब एंडी की माँ उसे नीचे बुलाती है, हम देखते हैं की सारी डिटेल बिल्कुल जिंदा होकर इधर उधर घूम रहे थे। सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन लोगों के पीछे एक बात होती है कि आप जेंडर की बर्थडे पार्टी है। आंवला की एंट्री का बर्थडे अगले वीक है लेकिन यह लोग हर्षित कर रहे हैं, इसी कारण यहाँ के दोस्तों को पार्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर सभी डिपॉजिट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें बात की जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को डर है कि कोई नया टॉय न जाए। यह सबसे बड़ा डर गुड्स को था कि कहीं कोई नया टॉय किडनी को रिप्लेस न कर दे। देखते ही देखते हैं यहाँ पर बच्चे आना शुरू कर देते हैं और अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट चलाते हैं। सभी स्टार्स डर जाते हैं, इसी कारण निकलाइन बनाते हैं कि हम लोग एक टॉय के आर्मी को नीचे जिंगे और वकीलों की कीमत से सब कुछ सुन लेंगे। यहाँ पर बच्चे आना शुरू होते हैं जिसके बाद में सारी टॉर नीचे पहुँच जाती है, वकीलों की को एक पॉट में रख देती है। यहाँ से ऊपर बैठे सारे स्टार्स एंडी के रूम से बहुत ही सुन रहे थे लेकिन सारे गिफ्ट खुलने के बावजूद भी उसमें कोई भी टॉय नहीं निकलता है, तो सारी स्टार्स बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे प्लान सक्सेसफुल रहा हूँ। आमी वापस लौटते ही वह लिखे तभी रेड्डी की मौत में गिफ्ट लेकर आती है लेकिन इसी टाइम पर ड्यूटी की पांच वकीलों की होता है, वह टूट जाता है। यहाँ पर आमी भी उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, जल्द फांसी के अंदर इन लोगों को सुनाई नहीं देता है और इतनी देर में एंडी और उसके सारे दोस्त कमरे में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एंड अपने बेड से उठी को हटाकर एक दूसरा टॉयलेट देता है, वह उसे देखने के लिए आता है कि आखिर वह कौन है। जो हम लोग देखते हैं कि वह टॉय कोई नहीं बल्कि वह लाइट ईयर था। वह लाइट है कि प्रोग्रामिंग या साइट था कि उसे दुनिया को बचाना है और वही स्पीड के मिशन पर आया है जहां उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस एक टॉय ही तो। बाकी सारी स्टार्स बस को देखकर बहुत खुश हुए, उसके पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। बस बताता है कि मैं तो उड़ना भी जानता हूँ और इसी के साथ ही वह मुड़कर भी दिखाता है। हालांकि बस की बात सुनने की टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन वह अच्छी तरीके से गिरता है, यह सारी बातें को पता थी लेकिन फिर भी कोई भी बॉडी के पास नहीं मानता है। यह धीरे धीरे समय आंखें निकलता है और हमें पता चलता है कि एंडी से ज्यादा बस को प्यार करता है और हर टाइम पिंपल्स के साथ में अकेला करता है। इन बातों से जुड़ी को बहुत तकलीफ होती है और वह सोचता है कि अब उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस को लगता है कि वे सभी को बचा लेंगे, इसी के साथ सारे स्टार्स की ट्रेनिंग करने लगता है। जहाँ पर एक टीनी गार्डन के अंदर सिर दिखाई देता है, यह ऐसा बच्चा है जो कि स्टार्स के साथ बहुत रूट भी हेल्प करता है, उन्हें अवतार तोड़कर फेंक देता है जिससे बस बोलता है कि ऐसा क्यों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हम लोगों को उसे सबक में दिखानी चाहिए। यह एक भी आग की महिमा के अंडे को बोलती है कि हम लोग पिज्जा ब्रेड पिज्जा रही है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जहां इंडिया कहता है कि मैं कौवा अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, रोटी को लगता है कि वे जरूर बस को लेकर जाएगा तो क्यों ना मैं उसे गिरा दूं। तो अगर एंड को मिलेगा ही नहीं तो नेस मुझे लेकर जाएगा, इसी कारण वह प्लान बनाता है। लेकिन थोड़ा बहुत चीज हो जाता है जब एक्सपोर्ट कर आगे की तरफ बढ़ती है तो वह बिग बॉस से टकराती है। सीधा की बस को दबा होने ही वाली थी कि तभी क्लोब एक लाइन से टकराता है और बस सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है। सॉरी स्टार्स को कार बता देती है कि यह बड़ी वैंड कि उसी नहीं बस को नीचे गिरा है, जिसके बाद सॉरी स्टार्स बस को वापस ऊपर लाने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ में गुड्डी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यहीं पर एंडवुड को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि बस क्राफ्ट में से निकल के एंडी की कार की तरफ आ ही पड़ता है और एक टाइम ऐसा आता है जब उसी तो पूरी के ऊपर उठता है और कहता है कि वैसे तो हमारे प्लैनेट्स पर बदला लेने का कोई तरीका नहीं है लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। यहाँ पर बहुत खुश था बस को बिल्कुल ठीक देखिए, वह कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में एंटी का आगे निकल जाती है जिससे वह बिग बॉस जोर जोर से रोकता है कि मैं ही कैसा चलाना हो जिसे कोई अक्षत नहीं करेगा और मैं अकेला रह गया हूँ तो बाकी हम लोग क्या करेंगे। जहाँ पर बस को अभी भी लगता है कि वह अपने प्लैनेट्स कॉन्टैक्ट करके कोई ना कोई हेल्प मंगवा लेगा, गुड्डी बस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस एक डॉ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कभी यहाँ पर कोई दूसरी कार दिखाई देती है जो कितनी सप्लेट की थी और वह सोचता है कि शायद एंड की कार तक वह पहुँच जाएगा लेकिन बस के लिए बिना तो वह कैसे जा सकता था। सॉरी स्टार्स घड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसी कारण बस को बोलता है कि देखो मुझे किस स्पेसशिप मिला है जो कि तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। यह बात सुनकर बस भी अब कार में बैठ चुका था और अब बड़ी और बस दोनों पहुंच चुके थे पिज्जा प्लैनेट। शाम मंदिर जाने के बाद बॉडी एंड को ढूंढता है और यहीं पर बस को लगता है कि यह तो पूरा का पूरा एक स्पेस शटल है। यहां पर यह पिज्जा प्लैनेट और प्लैनेट्स को देखकर डिजाइन किया गया था। वह रखी गेम को देखकर बस को लगता है कि जरूर वहीं से यह अपने स्पेस में जा सकता है, इसी कारण उसने भी कुछ जाता है। ब्यूटी यहां पर एंड को देख चुका था लेकिन वह बस के लिए बिना कैसे जा सकता।
जाता था, इसी कारण उसे भी उसके पीछे पीछे डालना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि हम तो सिर्फ भी गेंद खेल रहा था, वह भी उसी गेंद के अंदर था जहाँ पर गुड़िया और बस दोनों एक साथ हैं। गुड यहाँ पर बस को बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ बस को देख चुका था और सिर्फ को चाहिए था। वह यहाँ बस को नीचे के जरिए की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ के स्टार्स मिलकर बुटी को ऊपर की तरफ कर देते हैं और सिस्टम इन दोनों स्टार्स को अपने साथ ही ले जाता है, जहाँ पर से डुबो डेंजर थर्ड अपनी बहन की स्टार्स को अपने साथ ले जाता है और वह पूरी टोली को अलग अलग तोड़कर बिल्कुल डरावना सपना देता है। गुड्डी और बस तो समझ में आ चुका था कि वे दोनों वे डेंजर में है और सिडल के साथ जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। रात होने पर सारी की सारी और निकल कर बाहर होते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। कार्यावधि टूटी फूटी बुरी हालत में थी। यहाँ के घर पर बाकी स्टार्स को पता चलता है यह तो ड्यूटी भी गायब हो चुका है। अगले दिन फिट बॉडी के साथ ही शुरू करता है, जहां से सन की साइड से वह फॉर्मो चलाने ही वाला था कि तब एसिड की मुझे बुला लेती है, नहीं तो बेचारा वह तो आज ही जाता है। यह उल्टी स्टेट से नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह उसे सीट का डॉ मिल जाता है। बस सोचता है कि वह इसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा ही केंद्रित गलती हो जाती है। बूटी का वॉइस रिकॉर्ड ऑन हो जाता है, जिसे हुड्डा की नींद खुल जाती है और ब्यूटी और पर दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। जो बस टीवी पर एक शो देखता है, बस को लगता है कि शौर्य उसकी स्पीड का निशान होगा, लेकिन उसके बाद में बस को पता चलता है कि यह तो एक एड है, असर अंदर बस एक टॉय है। अब तक उसे चोली समझा रहा था, वह बिल्कुल सच बात थी। अब जब बस को लगता है कि वह टॉय है, फिर भी उसने भूख नहीं छोड़ी थी। वह सोचता है कि विंडो के ऊपर से खुद ही वह बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठता है, सीधा नीचे गिरता वह आता है, जिसके कारण उनका ख्वाब टूट जाता है। तभी यहाँ पर स्थित की बहन आ जाती है, जो कि बस अपने साथ ले जाती है, उसके साथ ही नहीं लगती है। जहाँ पर वह पहुँचता है और बस अपने साथ लेकर जाता है कि चलो हमें बाहर निकलना है, लेकिन बस तो वह साइड होता है। उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक टॉय है। यह वह प्लान आता है कि वह सिर्फ की विंडो एंड की विंडो तक पहुंच सकता है। तभी वह सारी स्टार्स को हाथ हिलाता है। तभी तो इस वीडियो को देखकर खुश तो तय है, लेकिन बूटी की हरकत में अभी भी याद है कि वुड्स ने बस को नीचे गिरा दिया था, इसी कारण सारे स्टार्स बस की होने का प्रूफ मांगते हैं। यहाँ पर रोडवेज बस को बुलाता है तो बस तो आता ही नहीं है, इसी कारण बॉडी बस का हाथ सभी को दिखाता है, लेकिन बाय चांस सबको आधा टूटा हुआ हाथ बिक जाता है, जिसके बारे में सारी स्टार्स लाइट को फेंक देते हैं और उन्हें अपने घर तक नहीं जा पाता। ड्यूटी को लगता है कि आज तो सिटीज सारी स्टार्स हमको खा जाएंगे, लेकिन असल के अंदर सारे स्टार्स ने बस का ठीक कर दिया था। यह बात बिल्कुल ठीक हो जाता है, बोलता है कि आप लोग प्लीज हमारी हेल्प कर यहाँ से बाहर निकलने में, लेकिन इतनी ही देर में यह सिर्फ ड्रॉ जाता है, जो कि बस कोई प्रॉफिट से बांध देता है। वैसे लॉन्च करने ही वाला था कि तभी बारिश आ चुकी थी, इसी कारण वह कल सुबह का अलार्म लगा देता है। बूटी बस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम सब लोग प्यार करते हैं, अब तो तुम्हें एंडी सबसे ज्यादा प्यार करता है, पहले मुझसे प्यार किया करता था कि हमारी जिंदगी बस यही है कि जो हमारे पास रखता है वह हमें प्यार करे, तुम सबकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी बस को अभी भी पूरा ही लग रहा था कि वह सिर्फ एक टार्स है, लेकिन दुबई के समझाने पर अब बस गुड्डी की मदद करने लगता है। उस टू ड्रॉप्स को नीचे गिराने वाला था, नीचे गिरने के कारण सेट की आंखें खुल जाती है। हम सीधा बस को उठाकर रॉकेट लॉन्च करने ही वाला था, इतनी देर में बूटी सॉरी प्लानिंग कर लेता है, तो इसके साथ में कि उन्हें क्या करना है, खुद स्टार्स को बेचता है ताकि वह बाहर निकल के डिंपल बचा सके और इंसिडेंट आपका ध्यान डिस्ट्रिक्ट हो जाए, जैसे दूर टॉयज ढोल बजाते हैं कि तभी वह सेट कर डॉग बाहर की तरफ भागता है। बाकी सारे स्टार्स पीछे की तरफ से डॉग की बाहर निकलने के रास्ते से बैठ यार में पहुंच जाते हैं। फिर यहां पर घड़ी को उठाकर वह भी क्यों वन टू परफेक्ट देता है और उसे चलाने ही वाला था, और तभी यहां पर डी बोलने लग जाता है। वहीं की आवाज़ सुनकर सिर्फ डर जाता है। वह बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरे लड़के, अपने स्टार्स को बिल्कुल प्यार नहीं करता हूं, अपने हाथ तोड़ देता है, सोचो अगर यह तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगे। जिसके बाद सॉरी स्टार्स निकल जाते हैं, जो कि आधे टूटे फूटे थे, फिर अपने ही स्टार्स से डरने लग जाता है और डर की मारे अंदर की तरफ भागता है। काफी सॉलिड बेस्ट में की बस को छुड़वाने ही वाले थी। यहाँ पर वुड्स और बस को पता चलता है कि आईडी की कार जा चुकी है, ये दोनों उसका पीछा भी करते हैं। बस तो ट्रैक तक पहुँच चुका था, लेकिन उद्योग जैसे ही पहुँचने वाला था कि तभी सेट कर डॉग आ जाता है और बड़ी को बचाने के लिए बस सीधा हुड्डा के ऊपर फूल जाता है, कारण बस पीछे रह जाता है। तभी वह अपने ट्रैक के अंदर चढ़ता है। रघु खोल की कार को निकालना चाहता था, लेकिन वहाँ पर सारे स्टार्स को लगता है कि जैसे बुडन अजय कुमार वैसे ही इस कार को भी पैक देगा। हालांकि वे तो यहाँ पर बस को बचाने की कोशिश कर रहा था, सॉरी स्टार्स मिलकर बड़ी को भी नीचे फेंक देते हैं। अड्डी के हाथ में रिमोट कंट्रोल और इसी के साथ कार और बस बीते यह सभी लोगों के पहुँचने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी ट्रैक में बैठे स्टार्स को पता चल चुका था कि यह आगे की तरफ आ रहे हैं, इसी कारण में डूबी को हेल्प के लिए भी भेजते हैं, लेकिन यह भी अनसक्सेसफुल बात थी। तभी पूरी को याद आता है कि उनके पास में तो रॉकेट लगा है, जरूर उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन माचिस की तीली जलाने पर तो वह भी रुक जाती है। और यहाँ पर बड़ी का एकदम से हाथ चले लग जाता है कि बस की हेलमेट से सीधी सन की लाइट उस पर पड़ रही थी। अब वह फिर से ट्राई करता है कि वह बस क्राफ्ट को जला दिया, आखिरकार एंड्रॉइड जल जाता है।
जहां पर वह अपने हाथ में कार को पकड़ लेता है और बस यह सीता घंटी को पकड़ता है, वही कार को तो ट्रैक में डाल देता है, लेकिन यह दोनों काफी ऊंचा उड़ने लग जाते हैं। जहां बड़ी को पता था कि रॉकेट फटते हैं वह है दोनों मर जाएंगे, लेकिन काफी ऊपर जाने के बाद बस रॉक को छोड़ देता और अपनी बीन्स ओपन कर लेता है। यह दोनों काफी अच्छे तरीके से नीचे गिरते हैं और सीता रॉक कैंडी के कार्य बॉक्स में पहुंच जाती है। एंट्री अपने दोनों स्टार्स पड़ी और बस को देखिए बहुत खुश था, जिसके बाद फाइनली अनुभव अपना घर दूषित कर चुके थे और दिन था क्रिसमस का, जॉइंट फिर से न्यू गिफ्ट मिलने वाले थे। इस बार भी ऐसा ही स्टार्स बैठकर यही सोच रहे थे कि कौन सा नया तो आने वाला है, क्योंकि आईडी को पसंद आ जाएगा। सभी को लगता है कि वह इस बार भी पहले से कि कोई नया टॉयस न जाए, लेकिन असल में नया टॉय तो मिस पटेटो आती है, जिसके कारण मिस्टर पैटन तो बहुत खुश रही है। और आखिर में जो गिफ्ट मिलता है एंडी को हुई डॉग था, यानी कि डॉ ने तो पहले ही सारे स्टार्स को बहुत परेशान कर रखा था, जिसके बाद में ये टॉय स्टोरी का फोर्थ पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप सभी लोगों को यह मूवी कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी फ्रेंचाइजी की सेटिंग्स मूवी में, तब तक के लिए टाटा।